नागरिकता संशोधन एक्ट की प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, साथ ही इस मामले को संवैधानिक पीठ के हवाले कर दिया। बुधवार को 144 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है। सर्वोच्च अदालत ने सुनवाई करते हुए असम, पूर्वोत्तर, उत्तर प्रदेश से जुड़ी याचिकाओं के लिए अलग कैटेगरी बनाई है। सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन एक्ट को लेकर सुनवाई शुरू होने वाली है। चीफ जस्टिस SA बोबडे ने सुनवाई से पहले कोर्ट रूम में एकत्रित भीड़ पर आपत्ति जताई। CJI ने कहा है कि इतनी भीड़ में भी हम वकीलों को भी सुन पा रहे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए नागरिकता संशोधन एक्ट के तहत बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आने वाले जैन, हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई और बौद्ध शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलेगी। साल 2014 से पहले जो भी शरणार्थी भारत में आए होंगे, अगर वो 6 साल से अधिक तक भारत में रुकते हैं तो उन्हें नागरिकता मिल सकती है। इस मुद्दे पर विपक्ष और कई संगठन विरोध कर रहे हैं और इसे संविधान विरोधी करार दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि CAA के साथ NRC को जोड़ देने के कारण ये कानून मुस्लिम विरोधी हो जाता है। सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट के बाहर कुछ महिलाओं ने CAA को विरोधी भी किया। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के बाहर कुछ महिलाएं पोस्टर बैनर लेकर पहुंची, हालांकि कुछ समय के बाद उन्हें वहां से हटा दिया गया था।